हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेजिन आर्ट्स। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप एमएस वर्ड फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने एमएस वर्ड फाइल के सभी पेजों की जेपीजी कैसे बना सकते हैं, उसे जेपीजी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने गूगल पे आना है। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पर एक टाइप करना है वर्ड टू जेपीजी डॉट कॉम। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टाइप किया है वर्ड टू जेपीजी डॉट कॉम। अब मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए, हमारे सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा, वर्ड टू जेपीजी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, शो हो रहा है यहाँ पर अपलोड फाइल्स। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर अभी क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपको अपनी जिस फाइल की आपने जेपीजी बनानी है, मैं यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करूँगा। मुझे इस फाइल की जेपीजी बनानी है। चाहे आपकी फ़ाइल में कितने भी पेज हो, चाहे आपकी फ़ाइल कितने भी पेज की फ़ाइल हो, उन सभी पेजों की जेपीजी हो, वो बड़ी आसानी से बन जाएगी, वो जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से अपनी ये फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद ये देखिए, हमारी ये फाइल यहाँ से अपलोड हो रही है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे यहाँ से फाइल अपलोड हो रही है। अभी ये इसको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। ये देखिए, ये हमारी जो फाइल है वो जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये हमारी फाइल जो है जेपीजी फॉर्मेट में तैयार है और अब मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। अभी हम इसे चेक करते हैं। ये मेरी 16 पेज की फाइल थी, ये देख सकते हैं आप, ये मेरी 16 पेज की फाइल थी। चाहे आपकी कितने भी पेज की फाइल हो, आप सभी पेजों की जेपीजी बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। ये मेरी फाइल अभी डाउनलोड हो रही है। देख सकते हैं आप, मेरी फाइल डाउनलोड हो गई। अभी हम इसे ओपन करेंगे, तो मैं इसे ओपन करूंगा अभी यहाँ से। ये देखिए, ये हमारी फाइल है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमारी वर्ड फाइल में जितने भी पेजेस हैं, सब की इसे हमारी जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो हमारी वर्ड फाइल थी वो सारी की सारी जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। और हाई इसकी लो क्वालिटी नहीं है, ठीक ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम भी करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कितने भी पेज हो, कोई आप बुक हो, या कई बार ऐसा होता है कि आपको जेपीजी फाइल चाहिए होती है, तो आप इस तरह से अपनी वर्ड फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप अपनी वर्ड फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टिप्स के साथ। तो थैंक यू।